करेंगे जी एंटरटेनमेंट के स्टॉक के बारे में। जी एंटरटेनमेंट के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो देखेंगे जो ये स्टॉक है ये हमको पिछले एक लंबे समय से यहाँ पर लगातार क्लियर डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार लोअर लो लोअर हाई वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी पिछले लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन से हमको यहाँ पर स्टॉक में तेजी भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। आज भी हमको यहाँ पर स्टॉक में 3.45% की यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। तो यहाँ से अभी हम स्टॉक में बात करें, यहाँ से अभी अगर स्टॉक में और तेज़ी आती है तो यहाँ से और तेज़ी कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 264 का पहला यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा ध्यान या हमको स्टॉक में 275, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 286 और अगर स्टॉक ने यहाँ पर इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से अभी हमको स्टॉक में अगेन बड़ी तेज़ी बड़ी बाइंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 309, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 331 और उसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में अभी अगेन 350 और उसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 375 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट यहाँ पर रजिस्टेंस। वहीं यहाँ से अब अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो यहाँ से अब गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 252 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक में 240 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 22 और उसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 226 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे एज ए नेक्स्ट टाइप ऑफ सपोर्ट। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।